नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में एक दिन में रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में एक दिन में करीब 70,000 मामले आए हैं, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 29,75,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या करीब 56,000 हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 6,97,000 के पार हैं। ICMR के मुताबिक भारत में एक दिन में 10,23,000 से अधिक टेस्ट किए गए हैं, जिससे कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 3,44,00,000 से अधिक हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उम्मीद जताई है कि 2 साल से कम समय में दुनिया कोरोना वायरस से फैली महामारी से उबर जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम गेब्रियसिस के मुताबिक 1918 के स्पेनिश फ्लू की तुलना में कोरोना वायरस से फैली महामारी पर जल्दी काबू पाया जा सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों को आइसोलेट किया गया है। इसके साथ ही शिबू सोरेन के बेटे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सोमवार यानी 24 अगस्त को एक बार फिर कोरोना टेस्ट किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के घर पर तैनात 17 स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। महाराष्ट्र में पिछले एक दिन में 14,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 339 लोगों की मौत हुई है, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 6,57,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या 21,000 से ज्यादा है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,64,000 से अधिक हैं। तमिलनाडु में पिछले एक दिन में 5,764 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 101 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 3,67,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 6,340 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 53,000 से ज्यादा हैं। आंध्र प्रदेश में एक दिन में 9,544 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 91 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3,34,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 3,000 से ज्यादा है। फिलहाल एक्टिव मामले 87,000 के पार हैं। कर्नाटक में पिछले एक दिन में 7,571 कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 93 लोगों की मौत हुई है, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 2,64,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 4,522 हो चुकी है। दिल्ली में एक दिन में 1,250 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 13 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके साथ ही राजधानी में कुल संक्रमितों की संख्या 1,58,000 से अधिक हो गई है और मृतकों का आंकड़ा भी 4,270 हो चुका है। फिलहाल एक्टिव मामले 11,426 हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले एक दिन में करीब 5,000 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए और 66 लोगों की मौत भी हुई। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मामले लगभग 48,000 हो गए और कुल मृतकों की संख्या भी 2,797 हो चुकी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2,28,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 7,97,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल 1,57,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या 56,21,000 से अधिक हो गई है और मृतकों की संख्या 1,75,000 से ज्यादा है। वहीं ब्राजील में कुल संक्रमितों की संख्या 35,32,000 से ज्यादा हो चुकी है और मृतकों की संख्या 1,13,000 से ज्यादा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।